Hello literary lovers, this is Anuj and welcome back to my channel. And today I'm going to talk about him who is not only the greatest poet of England, an actor, a playwright, but also the backbone of entire English literature. And I hope you must have heard the name of William Shakespeare. Ji haan dosto, hum baat karne wale hain aaj William Shakespeare ki, jo एक एक केवल साहित्यकार ही नहीं अपितु संपूर्ण अंग्रेजी साहित्य के एक स्तंभ है, अपने आप में एक बहुत बड़ी एक इमेज है, एक फिगर है, एक सेंट्रल फिगर इंग्लिश लिटरेचर की। जब भी दोस्तों हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की, हमारे माइंड में, हमारे मन मस्तिष्क में ऑटोमेटिक विलियम शेक्सपियर का नाम आ ही जाता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस महान साहित्यकार, लेखक एवं कवि एवं महान नाटककार के बारे में, जिन्होंने पूरे इंग्लिश लिटरेचर को अपनी रचनाओं से समृद्ध कर दिया है। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम टू कम टू द पॉइंट। सो इफ यू टॉक अबाउट विलियम शेक्सपियर, हिज लाइफ स्पैन इज 1564 टू 1616, यानी उनका जो जीवन, पूरा जीवन का काल का पीरियड था वो 1564 से लेकर 1616 तक था। एंड उनके बारे में बेन जॉनसन भी एक एलिजाबेथन एज के एक नाटककार थे महान, जिन्होंने उनको एक दिया था फ्रेज, दिया था एक उपाधि उनको दिया था कि द बार्ड ऑफ एवन। देखिए बार्ड मींस होता है कवि और एवन एक रिवर का नाम है स्टेटफोर्ड में जो स्थित है, इसीलिए इनको कहा जाता है द बार्ड ऑफ एवन, यानी विलियम शेक्सपियर को हम द बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाने जाते हैं। और यह फ्रेज उनके लिए स्टेटमेंट बेन जॉनसन ने दिया था। कभी कभी ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि द बार्ड ऑफ एवन जो फ्रेज है, यह फ्रेज कौन से पोएट ने या कौन से ड्रामेटिस्ट ने ये विलियम शेक्सपियर के लिए कहा था, तो आपका आंसर क्या होगा, बेन जॉनसन होगा। और विलियम शेक्सपियर को हम इंग्लैंड के नेशनल पोएट भी हम के नाम से भी जानते हैं। विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोएट अर्थात राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है विलियम शेक्सपियर को। एंड इफ यू टॉक अबाउट द बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर, इट इज अननोन, नोबडी नोज द एग्जैक्ट एंड एप्रोप्रिएट डेट ऑफ बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर, बट मोस्ट ऑफ स्कॉलर रिगार्डेड दैट ही वाज बोर्न ऑन 23rd April 1564 at Stratford-upon-Avon, Warwickshire in England. ठीक है? And he was baptized. If you talk about baptized, baptization means उनका नामकरण कहाँ हुआ था? जैसे कोई बच्चे का जन्म होता है, उसका नामकरण होता है, तो देखिए जो क्रिश्चियन होते हैं, क्रिश्चियनों का धर्म चर्च में होता है, तो देखिए उनका जो नामकरण हुआ था, he was baptized at Holy Trinity Church and that was situated in Stratford. And he was baptized on 26th April 1564. यानी जन्म के जस्ट 3 दिन बाद, उनका जो जन्म हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ था, जस्ट 3 दिन बाद उनका baptized, यानी उनका नामकरण 26 अप्रैल को हुआ था। देख रहे हैं 3 दिन बाद उनका नामकरण हुआ था। तो and if we talk about parents of William Shakespeare, यानी William Shakespeare was the third son of John Shakespeare. यानी William Shakespeare के पिता का नाम क्या था, John Shakespeare था। And if we talk about the mother of William Shakespeare, his mother name was Mary Arden. और जो Mary Arden थी, एक बहुत ही affluent landowner की एक लड़की थी। And if we talk about the education, it's not much more known, but at the age of 7, he was sent to grammar school at Stratford. Stratford में ही एक grammar school था, जिन्होंने उन्होंने where he learned small Latin and less Greek, जहाँ पर उन्होंने थोड़ा बहुत लैटिन और थोड़ा बहुत उन्होंने ग्रीक सीखा। और ये जो फ्रेज है, बहुत ही फेमस फ्रेज है कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये जो स्टेटमेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो फ्रेज है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये किसने कहा था, तो बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के लिए ये स्टेटमेंट दिया था कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, यानी विलियम शेक्सपियर बहुत ही कम लैटिन और लेस ग्रीक को जानते हैं। और ये स्टेटमेंट किसने दिया था, बेन जॉनसन ने दिया था। ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्पाउस ऑफ विलियम शेक्सपियर, देखिए जो स्पाउस है ये कॉमन जेंडर है, स्पाउस मींस पति पत्नी दोनों होता है। अगर पति है तो आप समझ लीजिए पत्नी का नाम बता रहा है, अगर पत्नी है तो इसका मतलब पति का नाम बता रहा है। तो यानी स्पाउस मींस यहां पर वाइफ सेंस में होगा, स्पाउस एक नया वर्ड है। यानी एट द एज ऑफ 18, यानी जब विलियम शेक्सपियर जब 18 वर्ष के थे, यानी 1582 में मैरिड टू 26 इयर्स ओल्ड एन हैथवे, यानी 26 वर्ष की एक महिला थी जिसका नाम था एने हैथवे, यानी एने हैथवे से 1552 ईस्वी में विलियम शेक्सपियर ने शादी किया था। और उसमें जब विलियम शेक्सपियर ने शादी किया था, उसमें विलियम शेक्सपियर की एक महज 18 वर्ष की, जबकि एने हैथवे की एज क्या थी, 26 ईयर। इसका मतलब कि जो एने हैथवे थी वो विलियम शेक्सपियर से 8 ईयर सीनियर थी, वो 8 साल विलियम शेक्सपियर से बड़ा थी।
एंड इफ यू टॉक अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ विलियम शेक्सपियर, ही हैड थ्री चिल्ड्रन, उनके पास तीन बच्चे थे। द फर्स्ट वन इज सुसाना, और ये सुसाना था आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ मैरिज ही गिव अ यानी एनी हैड टू गिव अ बर्थ नेम्ड द चाइल्ड सुसाना, यानी शादी के 6 महीने बाद ही सुसाना का जन्म हुआ था। और उसके बाद एक ट्विंस पैदा हुए थे, ट्विंस माने जुड़े बच्चे, और उसमें एक एक सन था, एक डॉटर था, एक बेटा था, एक बेटी था। अब जो बेटा था उसका नाम था हैमनेट, जो बेटी थी उसका नाम क्या था, जूडिथ। और ये जो हैमनेट था ये बहुत अर्ली एज में इसका देहांत हो गया, यानी वो मर गया था। इट मींस वह 11 ईयर्स का कहा जाता है कि 11 ईयर्स की एज में ही हैमनेट का डेथ हो गया था। और लास्ट के दो बच्चे बचे थे, सुसाना और जूडिथ, जिन्होंने विलियम शेक्सपियर का साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, एंड वेयर इज द मैटर ऑफ एरा ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू एलिजाबेथन एरा एंड जैकोबियन एरा, एंड 1585 टू 1613 जो ये पीरियड है ये बहुत ही शेक्सपियर के लिए बहुत ही एक्टिव पीरियड रहा है, या आप कह सकते हो बहुत ही प्रोडक्टिव ईयर रहा है, बहुत ही सक्सेसफुल ईयर रहा है। मतलब कि उनके जितने भी बेस्ट नोन वर्क्स है वो ड्यूरिंग यही 1585 टू 1613 के बीच में ही लिखा गया था, और उन्होंने जो रेपुटेशन जो फेम को जो अचीव किया वो इसी पीरियड में उन्होंने किया। ठीक है, और विद द मैटर ऑफ थिएटर, तो ही ज्वाइन थिएटर फर्स्ट टाइम इन 1594 नेम्ड लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, और जो ये नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन इसको बाद में रीनेम्ड कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया गया, किंग्स मैन इसका नाम रख दिया गया। पहले इसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन और बाद में इसका नाम चेंज करके हो गया किंग्स मैन। और ये नाम किसने चेंज किया था, बाई किंग जॉन, बाई किंग जेम्स फर्स्ट, ये किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया था। और देखिए बहुत ही नेक्स्ट है ग्लोब थिएटर, ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोग अक्सर पूछा जाता है कि शेक्सपियर किस थिएटर से बिलोंग करते थे, तो आंसर क्या हुआ, ग्लोब थिएटर। और ये ग्लोब थिएटर था ये उसके शेयर होल्डर भी थे, जो विलियम शेक्सपियर थे ग्लोब थिएटर के शेयर होल्डर थे, और बाद में उसमें आग भी लग गई थी, फिर उसको फिर रिबिल्ड भी किया गया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि ग्लोब थिएटर जो है ये किससे बिलोंग करता था, तो ये शेक्सपियर यानी जो थे ग्लोब थिएटर से बिलोंग करते थे। और इफ यू टॉक अबाउट हिज सोनेट्स, तो शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स पब्लिश्ड बाय थॉमस थॉर्प इन 1609, यानी विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे थे और जो थॉमस थॉर्प द्वारा 1609 ईस्वी में इसे पब्लिश किया था, प्रकाशित किया गया था। एंड 126 सोनेट्स, इनके जो एज से लेकर 126 सोनेट है एड्रेस टू हिज पैट्रॉन हेनरी रियोजले और हु वाज अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, यानी उन्होंने एक से लेकर 126 सोनेट को अपने पैट्रॉन हेनरी रियोजले का नाम था जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थी उसको उन्होंने एड्रेस किया है। और ये जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है इसको WH के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी एग्जाम में WH भी लिखा रहता है, तो आप लोग को इसको भी ध्यान रखना है कि जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है इसको WH के नाम से भी जानते हैं, तो इसके याद करिए। और हेनरी हर्बर्ट भी इसमें थे और विलियम हर्बर्ट थे जिनके मतलब जिनके लिए मतलब इन्होंने ए से लेकर 126 जो उनके सोनेट्स उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने एड्रेस किया था या उसको डेडिकेट कर दिया था। एंड रिमेनिंग जो उनका 126 से लेकर 152 सोनेट है मींस 126 टू 152 सोनेट्स जो है ये वाज एड्रेस टू डार्क लेडी, उन्होंने 126 से 152 सोनेट को डार्क लेडी को डेडिकेट किया था, यानी उनको एड्रेस किया था। और उसका नाम डार्क लेडी इसलिए पड़ा था क्योंकि वह एलिजाबेथन कोर्ट में एक नृत्यांगना थी, एक डांसर थी, और उसका नाम डार्क लेडी इसलिए है कि उसके जो आईज थी, उसके जो आंखें थी, नेत्र थे वो बहुत ही डार्क थी, मतलब काली आंखें थी। वो जो डार्क लेडी थी बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसकी जो आईज थी, जो विलियम शेक्सपियर थे उनको आंख बहुत प्यारी थी, उसकी जो आईज थी बहुत ही ब्लैक थी, बहुत डार्क थी, इसलिए उसका नाम दिए है क्या डार्क लेडी, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ा डार्क लेडी। और उनकी जो रिमेनिंग जो फाइनल पढ़ते हैं 152 सोनेट्स जो रिमेनिंग है एंड दीज वर एड्रेस टू लिटिल लव गॉड नेम्ड क्यूपिड, उनका नाम क्या था क्यूपिड है, ये क्यूपिड जो है ये गॉड ये रोमन में गॉड का नाम है, वो कामदेव थे। तो जो लास्ट के जो दो सोनेट्स थे तो विलियम शेक्सपियर ने क्यूपिड यानी जो रोमन गॉड थे कामदेव थे उनको उन्होंने एड्रेस किया डेडिकेट किया था। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट, तो जो शेक्सपियर के जो सोनेट हुआ करते थे उसमें 14 लाइंस हुआ करती थी और 15 लाइंस मतलब 3 क्वाट्रेंस एंड फॉलोड बाय 1 फाइनल कपलेट, यानी 3 क्वाट्रेंस, क्वाट्रेंस मींस यानी चौपाई यानी 4 लाइन की, यानी 4 की 12 और 1 फाइनल कपलेट, कपलेट मतलब दोहा यानी 2 लाइन की, यानी 3 चौक 12 तो 14 था 14 लाइंस हो गया, यानी स्ट्रक्चर थी सोनेट की क्या थी 14 लाइंस थी जिसमें 3 क्वाट्रेंस हुआ करते थे और फॉलोड बाय 1 कपलेट, इसमें फाइनल में एक कपलेट हुआ करता था।
एंड विद द मैटर ऑफ राइम स्कीम, तो जो शेक्सपियर सोनेट थी इसकी राइम स्कीम क्या थी, ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी, ये उनकी राइम स्कीम थी शेक्सपियर की, ठीक है। नाउ लेट्स गिव अ ग्लांस एट सम वेल नोन सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर। वैसे तो देखिए विलियम शेक्सपियर के सभी सोनेट्स जो है बहुत सभी फेमस है, बट जो मुझे अच्छा लगा उनमें से मैं तीन को यहाँ पर लिखा हूँ। तो पहला क्या है, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, ये बहुत ही पॉपुलर सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, और आई थिंक इसमें आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा इसको पढ़ा भी होगा डेफिनेटली। और दूसरा क्या है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, और तीसरा है माई मिसेज आईज आर नथिंग लाइक द सन। ये तीन जो सोनेट विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस है, जो मेरी निगाह में लगा मैंने उसको लिखा है। सो नाउ लेट्स लुक द पोएम ऑफ शेक्सपियर। देखिए उन्होंने शेक्सपियर रोट टू लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, और वो कौन कौन से थे, वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लुक्रेसी। तो वीनस एंड एडोनिस था वो 1593 में पब्लिश हुआ था, मीन्स 1593 में पब्लिश हुआ था। एंड ये जो वीनस एंड एडोनिस था ये ओविड्स की मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। जो विनस एंड एडोनिस ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम है शेक्सपियर का, इसका जो सोर्स है, इसका जो रिसोर्स है, ये ओविड पोएट है, ओविड्स की मेटामॉर्फोसिस की रचना थी उसे लिया गया है। और ये जो विनस एंड एडोनिस था ये सिस्टा रिमा में लिखा गया था, ये सिस्टा रिमा में लिखा गया था। और जो सिस्टा रिमा होता है, सिस्टा रिमा मींस सिक्स स्टैंजा ऑफ सिक्स लाइंस, यानी छह लाइन की छह स्टैंजा होती है, उसे क्या बोलते हैं, सिस्टा रिमा बोलते हैं। और जो दूसरा है लेप ऑफ लुक्रेसी, यह 1594 यानी 1594 में पब्लिश हुई थी, और यह भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। और ये इसका जो स्रोत है, ये इसका रिसोर्स क्या है, ये ओविड्स के फास्टी से लिया गया है, और लिविस हिस्ट्री ऑफ रोम, और लिवी का हिस्ट्री ऑफ रोम से भी इसका रिसोर्स है लेप ऑफ लुक्रेसी का। और ये जो लेप ऑफ लुक्रेसी था, इट वॉज रिटन इन राइम रॉयल, मीन्स इसका स्क्रीन का था ए बी ए बी बी सी सी। और तीसरा आपका है पैशनेट पिलग्रिम, जो 1598 मीन्स 1598 में पब्लिश किया गया था, और जो ब्लाइंड वर्स में लिखा गया था। एंड फोर्थ इज फोनिक्स एंड टर्टल, ये 1601 में लिखी गई थी, यानी मीन्स पब्लिश हुई थी, और इसका भी जो स्कीम था क्या राइम रॉयल था। और जो पांचवा है लवर्स कंप्लेंट, ये 1609 में पब्लिश हुई थी, और इसका भी स्कीम वही रॉयल राइम रॉयल है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स यू विल understand what I have told you, and at last I would like to say that please if you like my video, please share it to your friends and social medias, and subscribe my channel, and thanks for watching my video, and please do not forget to press bell icon, because if you press the bell icon you will always get my videos at first. So thanks for watching my video again, and see you in next video with a new video.